विकास की यात्रा में आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जल्दी ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का सपना आज हम लोग पूरा कर पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे मिलिट्री के सेक्टर में भी एक समय यह हुआ करता था कि हर चीज पर हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर हमने तैयार की कि आज चाहे वो पनडुब्बियां हो, चाहे वो बड़े जहाज हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो गन्स हो, चाहे बड़ी बड़ी इस प्रकार के आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली तैयार करने का काम आज हमारे भारत के लोग कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। जो भारत मिलिट्री के सेक्टर में केवल इंपोर्ट करता था, आज वो एक्सपोर्ट भी करता है और दुनिया के कई देशों में आज हमारे भारत में तैयार होने वाले आर्म्स और एम्यूनिशन की मांग ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। ये आत्मनिर्भरता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ऐसा मैं कहता हूं। मुझे आज भी याद है कि जिस समय मैं मुंबई में हमारे उस समय के रक्षा मंत्री जी के साथ, मनोहर पर्रिकर जी के साथ हमारी पनडुब्बियों को कमीशन करने के लिए गया था और उस समय उन्होंने कहा था कि आज तो ये जो हम कमीशन कर रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजें हमने इंपोर्ट की हुई है, लेकिन अगले 4-5 सालों में इसमें से 80% चीजें हम बनाएंगे। और अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी नई क्लास की पनडुब्बियां वहां पर उसको कमीशन किया, तब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि 80% उसमें जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो सारी की सारी भारत में बनी हुई थी और पूरे तरीके से हमने भारत में उसका निर्माण किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नया भारत तैयार हो रहा है, जो किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार है, एक ऐसा भारत जो निश्चित रूप से बहुत ही स्वाभिमान के साथ खड़ा है। और हम लोगों ने देखा कि अब इस भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारी सेना में वो ताकत है कि जिस समय हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम रातों रात एयर स्ट्राइक करके दुश्मन को पूरे तरीके से समाप्त भी कर सकते हैं और दुश्मन के अड्डों को रातों रात हम लोग समाप्त भी कर सकते हैं। ये हमारे एयरफोर्स ने भी दिखाया है, हमारी मिलिट्री ने भी दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नए भारत के जो हमारे सारे नए तरुण युवा, इनको जब हम लोग नए भारत की चुनौतियों की ओर ले जाते हैं तो ऐसे समय उनमें देशभक्ति और अनुशासन, इसका होना ये बहुत महत्वपूर्ण है।